इस मंच के बीच भारत मेजबान है। ऐसे में जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से पीएम मोदी मिले तो दोनों ही नेताओं के चेहरे पर मुस्कान थी। एक दूसरे की दोस्ती पर यकीन था और ये भरोसा था कि दुनिया में कोरोना महामारी के बाद विश्वास का जो संकट पैदा हुआ है उस संकट को संजीवनी मिलने वाली है। दरअसल ये पीएम मोदी और ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के बीच तीसरी मुलाकात है। पहली बार ऋषि सुनक नवंबर 2022 में इंडोनेशिया में पीएम मोदी से मिले थे। तब ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बने कुछ ही हफ्ते हुए थे। दूसरी बार मई में जापान में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई और अब तीसरी मुलाकात भारत की सरजमी पर G20 के दौरान हुई है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने से पहले ही ऋषि सुनक ने समर्थन में बड़ा बयान देते हुए कहा था, भारत ने G20 की अध्यक्षता ऐसे समय संभाली जब दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध समेत कई चुनौतियों का सामना कर रही थी। अपने कद, विविधता और अपनी असाधारण सफलता के कारण भारत G20 की अध्यक्षता के लिए सही समय पर सही देश है। मैं पिछले एक साल में पीएम मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करता हूं और भारत को इस तरह का वैश्विक नेतृत्व करते इतना सुखद है। वहीं पहली बार बतौर प्रधानमंत्री भारत आए ऋषि सुनक ने एक बार फिर दोहराया कि उन्हें हिंदू होने और अपनी भारतीय जड़ों पर गर्व है और हमेशा रहेगा। I'm a proud Hindu and that's how I was raised, that's how I am. Hopefully I can visit a mandir while I'm here for the next couple of days. And yes, we've just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins, I have all my Rakhis. And, you know, I didn't have time to celebrate Janmashtami properly the other day, but hopefully, as I said, I can make up for that if we visit a mandir this time. But it's something that is important to me. I think faith is something that helps everybody who has faith in their lives, particularly when you have these stressful jobs like I do. दरअसल कोरोना महामारी के बाद विश्व के समीकरण तेजी से बदले हैं। कोरोना ने दुनिया भर की इकोनॉमी पर असर डाला है और इस मुश्किल समय में भारत ने न सिर्फ खुद को संभाला बल्कि दुनिया की भी मदद की, जिससे वर्ल्ड लेवल पर भारत का कद और इज्जत दोनों बढ़ी हैं। जब दुनिया इकोनॉमी संकट से गुजर रही है तो भारत की विकास दर न सिर्फ स्थिर है बल्कि बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से दुनिया भर के देश इस संकट के समय भारत की ओर देख रहे हैं। बात ब्रिटेन की करें तो वहां भारतीयों की संख्या भी ज्यादा और वहां की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ताने बाने में भूमिका भी अहम है। इसलिए ब्रिटेन के लिए भारत की दोस्ती, उसका साथ बेहद अहम है। भारत और ब्रिटेन के बीच 2021 से 2022 में जो व्यापार 17.5 अरब डॉलर का था वो 2022 से 23 में बढ़कर 20.42 अरब डॉलर पहुंच गया है। मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA को लेकर 19 महीने पहले शुरू हुई बातचीत अब लगभग पूरी हो चुकी है। एक तरह से कहें तो भारत का कद G20 देशों में जितना तेजी से बढ़ रहा है उतना ही व्यापार और रक्षा समझौते में भी वृद्धि हुई है। इन सबसे एक अहम बात ये भी है कि दुनिया से आतंकवाद के खात्मे को लेकर भारत सबसे मुखर आवाज है। G20 के सभी देश आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में भारत के साथ खड़े हैं। Another subject that was addressed by them, as the Sherpa noted, was countering terrorism and money laundering. The leaders condemned terrorism in all its forms and manifestations and recognized that it constitutes one of the more serious threats to international peace and security. So, in conclusion, as you can all see, all G20 member states have come to New Delhi with a strong sense of responsibility about addressing the most pressing global challenges. Speaking for India, we are clear that no one left behind, as the finance minister highlighted,